हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर माय सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर लोग के लिए। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर दूसरा है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने जीएम काउंटर स्टार्ट किया हुआ था, उसको मैं आधा बताया था, बाकी आधा जो है इस वाले लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो उस वाले लेक्चर था उसमें हमने जीएम काउंटर का इंट्रो देख लिया था और उसके बाद उसका प्रिंसिपल देखा था। प्रिंसिपल में बहुत सारे टर्म आए हुए थे, वो सबको हमने डिस्क्राइब कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले लेक्चर में हम जीएम काउंटर का वर्किंग देखेंगे, उससे पहले उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, संरचना देखेंगे, कैसे कैसे उसमें डायग्राम बनेगा, कौन कौन से इसमें ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ होते हैं वो सब देखेंगे, फिर उसका वर्किंग देखेंगे, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, विशेषताएँ देखेंगे और कुछ प्रिकॉशंस देखेंगे, सावधानियाँ जो इस जीएम काउंटर में हमको सावधानी बरतना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका जीएम काउंटर का कंस्ट्रक्शन से, इसका स्ट्रक्चर से। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ और डायग्राम भी ऐसे बनाता हूँ कि उसको मैं साथ ही साथ समझाते भी जा रहा हूँ कि कौन कौन सा ऑपरेटर्स क्या क्या है। ठीक है, ताकि साथ में डायग्राम भी बने और उसका हमको प्रैक्टिस भी हो जाए कैसे बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो जीएम काउंटर है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कांच की नली लेते हैं। ठीक है, तो कांच की जो नली रहता है कुछ इस टाइप से हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, कांच की नली हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो कांच की नली है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक खोखला और दूसरा कांच की नली लेते हैं जो कि क्या होता है, एक कैथोड की भांति व्यवहार करता है और यहाँ पे बीचों बीच में एक अक्ष खींच देते हैं और उस अक्ष में हम लोग क्या करते हैं, एक टंगस्टन धातु का तार लगा देते हैं जो कि बाद में एनोड की भांति व्यवहार करता है। ये बात हमने पहले जो डिटेक्टर्स पढ़ा है वो सब में सब किए हुए हैं, तो उसका स्ट्रक्चर सेम ही बनेगा, थोड़ा सा बस जो मटेरियल रहता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं उसको बना देता हूँ कुछ इस टाइप से, दूसरा एक खोखला कांच की नली रहेगा और क्या करते हैं, इसके बीचों बीच में एक अक्ष खींच देते हैं जिसमें हम लोग टंगस्टन धातु का तार लगा देते हैं कुछ इस टाइप से। अब देखो, ये एक एनोड के भांति व्यवहार करेगा, ये जो कांच की जो नली है ये भी क्या होता है, एक एनोड के भांति व्यवहार करता है। तो दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट मत होकर के हम लोग बीच में क्या लगाते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं या अवरुद्ध लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अवरुद्ध बना देता हूँ कुछ इस टाइप से, जिससे क्या होता है ये दोनों आपस में कनेक्ट ना हो पाए। तो कुछ इस टाइप से हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पे एक अवरुद्ध लगा देते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा एनोड ए। देखो, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और ये जो कांच की नली है इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। ठीक है, ये जो एनोड ए है इसकी व्यास जो रहती है वो 0.05 mm की रहती है, 0.05 mm की व्यास रहती है, मतलब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो उतनी पतली वहाँ पे तार लगाई जाती है। और ये किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। और ये जो कांच की जो नली है ये सी, इसकी यदि लंबाई के बारे में बात करें तो ये जो लंबाई होती है 1 cm से लेकर 100 cm तक हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि जो ऑपरेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं वो कितनी है, लेकिन आमतौर पर 1 cm से 100 cm तक की इसकी लंबाई रहती है। लंबाई मतलब ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं पूरा। और चौड़ाई की बात करें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, या फिर इसका बोल सकते हो कि इसकी व्यास कितनी है, तो वो जनरली लगभग वो रहती है 0.3 mm से, रुक जाओ मैं देख के लिख लेता हूँ, हाँ 0.3 cm से वो रहती है 10 cm तक, मतलब लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है, मतलब इसका बोल सकते हो त्रिज्या थोड़ी सी कम रहती है। तो ये आप लोग इसको याद कर लेना। उसके बाद क्या होता है, ये जो एनोड ए है और ये जो कैथोड सी है, इन दोनों के बीच में हम लोग ने क्या कर देते हैं, एक विभवांतर या बैटरी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उसको मैं कैसे बनाता हूँ, तो जो विभवांतर जो प्रोवाइड कराते हैं उसका माइनस सिरा इस कांच की नली सी से कनेक्टेड रहता है और जो प्लस सिरा रहता है वो जो एनोड है या फिर ये जो इलेक्ट्रोड है इससे कनेक्टेड रहता है ए से। तो उसको मैं बनाता हूँ तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये एक बैटरी हो गया, तो इसका हम लोग कनेक्शन लगा देते हैं इस एनोड ए से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बीच में हम लोग एक प्रतिरोध आर लगा देते हैं।
ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं करते, उसको बीच में एक आर के साथ कनेक्ट करके करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध आर, और ये हमारा क्या है, बैटरी वी। तो इसमें हम लोग विभवांतर प्रोवाइड कराते हैं। अब चूंकि माइनस सिरा इससे जुड़े हुए हैं, इस नली से, इसलिए ये क्या करता है, कैथोड की भांति व्यवहार करता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कैथोड, ठीक है, ये क्या कहलाएगा अपना, कैथोड। और चूंकि धन सिरा इस तार से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये किसके भांति व्यवहार करेगा, एनोड के भांति व्यवहार करता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एनोड, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो क्या होता है, ये जो ए है इसके लेफ्ट हिस्सा में, या फिर जो कांच की नली सी है इसके लेफ्ट हिस्सा में एक खिड़की लगा देते हैं डब्लू, जिससे जो भी आवेशित कण है इसमें इंसिडेंट हो पाए। तो मैं आवेशित कण को इधर बना देता हूँ, जिससे इसमें से मतलब आवेशित कण इंटर करेंगे या फिर आपतित होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपतित कण। ठीक है, और यहाँ पे W ये क्या हो गया, खिड़की हो गया। जब विंडो ओपन होगा तब यहाँ से आपतित कण इसमें प्रवेश करेंगे, जो कि यहाँ पे मटेरियल जो भरा रहेगा उससे इंटरेक्ट करेंगे। अब मटेरियल की बात करते हैं, तो ये जो C है इसके अंदर में, सी बेसिकली इसको बोल सकते हो, या फिर जो इसके अंदर में जो कांच की नली है उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है, इसके अंदर में मटेरियल भरा जाता है। अब मटेरियल कौन सा भरते हैं, तो आप लोग को पहले से ही पता होगा कौन सा मटेरियल भरते हैं इसमें। इसमें हम लोग भरते हैं 90% आर्गन, आर्गन 90% रहता है, और 10% हम लोग इसमें भरते हैं। जब मैं प्रिंसिपल बता रहा था तो उसने बताया था कि कुछ कार्बनिक पदार्थ भी भरा जाता है, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थ में हम लोग जनरली मीथेन भरते हैं, या फिर इथेन भरते हैं, या फिर जो एल्कोहल के जो वेपराइज फॉर्म में है, ठीक है, एल्कोहल है उसका वेपर फॉर्म में यहाँ पे भर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्या लिख देता हूँ, मीथेन प्लस मीथेन या फिर इथेन। तो इथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6, या फिर कुछ एल्कोहल, वो सबके हम क्या करते हैं, वाष्प के रूप में यहाँ पे भर देते हैं। ये क्यों भरते हैं, क्योंकि इनकी जो आयनन क्षमता होती है वो आर्गन के आयनन क्षमता से काफ़ी कम होती है, जिसके कारण इनका पहले आयनन हो जाता है, और ये क्या करते हैं, इनके जो धनात्मक कण हैं वो आके कैथोड के पास एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जो प्रिंसिपल था उसने बताया हुआ था, तो इसलिए इसका उपयोग करते हैं, जो कि कितना परसेंट रहता है, 10%, मतलब काफ़ी मात्रा में नहीं रहते, थोड़ा सा मात्रा में ही रहते हैं। तो इसके अंदर मटेरियल के रूप में इसको भरा जाता है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस टाइप से बना देता हूँ, ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ के बाद, इसके बाद हम लोग ये जो R है, इसके बाद हम लोग इसमें एक और हम लोग कैपेसिटर लगा देते हैं, C, हिंदी में इसको संधारित्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये C लगा देते हैं, जिसका मान 500 pF होता है। और क्या करते हैं, आगे में एक और हम लोग प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक है, जिसको RL नाम दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक गड़क लगा देते हैं, गड़क या फिर एम्पलीफायर, ठीक है। इसको पहले बता चुका हूँ, एम्पलीफायर क्यों लगाते हैं, जो भी हमको वहाँ पे करंट प्राप्त होगा, या फिर जो भी धारा प्राप्त होगी या वोल्टेज प्राप्त होगा, उसको वो एम्पलीफाई कर देता है, उसके बेसिकली उसको जो वीक सिग्नल रहता है उसको एम्पलीफाई करके मतलब हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और काउंटर लगा देते हैं, काउंटर क्यों लगाते हैं, जो भी पल्स प्राप्त होगा उसको काउंट करने के लिए यहाँ पे पल्स लगाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ पे जगह कम हो गया, तो कुछ इस टिप से यहाँ पे इसको सुधार के बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, सी था संधारित्र, और ये था RL। ये जो सी का मान होता है ना, ये 50 pF रखा जाता है, 500 pF रखा जाता है। जो यहाँ पे जो R का मान है, इसको 1 MΩ रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो विभव का मान है, उसको हम लोग जनरली 1000 V रखते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये जो सी और RL है, इसको क्यों लगाते हैं। होता क्या है, यहाँ पे जैसे जो करंट आ रहा है, तो ये R पर क्या होगा, विक्षेप दिखाई देगा, या फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जो भी करंट वहाँ से जाएगा, तो ये जो DC घटक होते हैं उसको ये रोक देता है, सिर्फ AC घटक बस को वहाँ से पास करता है। और AC घटक जब पास होता है, तो उसको एम्पलीफाई करके फिर यहाँ से काउंट कर लिया जाता है, मतलब DC को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। इसलिए C और RL को यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका हम लोग का स्ट्रक्चर रहता है GM काउंटर का, और बाकी तो हो गया कंप्लीट, इतना ही है इसमें। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग का, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, देख लो थोड़ा डायग्राम, इसी टाइप से बनाना है इसको, ठीक है। जब एग्ज़ाम में आएगा तो थोड़ा सा देख के इसको बना लेना। अब बात करते हैं इसके वर्किंग का, वर्किंग में क्या होता है,
स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग इधर से आपतित किरण इन पे प्रवेश कराते हैं विंडो को ओपन करके, फिर जो भी आपतित किरण है जैसे कि अल्फा बीटा या गामा हो गया वो इसमें क्या करेंगे इंसिडेंट होंगे, फिर विभवांतर को मान इधर से हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है ये जो आपतित कण हैं या फिर जो आवेशित कण हैं ये क्या होते हैं, ये जो आर्गन और जो मीथेन है इनके मिक्सचर के साथ वो कोलाइड करता है, उसके साथ क्या करता है वो संघटक करता है, जिसके नाम से जो इसके परमाणु हैं इनको प्लस माइनस में विभक्त कर देता है, प्लस आयन में और माइनस आयन में। अब चूंकि प्लस आयन क्या होता है कैथोड की ओर जाना चाहता है, अब चूंकि ये हमको रीढ़ से जोड़े हैं तो ये कैथोड की भांति व्यवहार कर रहे हैं, जो नली है और जो तार है टंगस्टन का ये क्या करता है एनोड की भांति व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि धन से जुड़ा हुआ है ऐसा करके, तो जहाँ पे धन आयन है वो जाएंगे कैथोड की ओर और जो ऋण आयन है वो जाएंगे इस एनोड की ओर, मतलब यहाँ पे एनोड के पास क्या हो जाएंगे इकट्ठा होंगे, जिससे वो क्या है गति करेंगे, विभव का मान भी हम लोग देते जा रहे हैं तो गति करेंगे तो क्या होगा वहाँ पे करंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, धारा बनना स्टार्ट हो जाता है जो कि पल्स के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ये पल्स के रूप में प्राप्त होते जाता है, अब जो भी पल्स के रूप में प्राप्त हो रहा है जिसके कारण से क्या हो रहा है धारा, जैसे धारा प्राप्त हो रहा है तो ये जो R है इसके इसमें इसके सिरों पर क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, और जो भी यहाँ पे धारा प्राप्त हो रहा है वो इस C और R L के नाम से जो DC घटक रहते हैं वो रुक जाते हैं, सिर्फ AC घटक को वापस पास कराते हैं जो कि जो पल्स प्राप्त हो रहा है उसको एम्पलीफाई करके काउंट कर लिया जाता है कि कितने मात्रा में वहाँ पे आवेशित कण प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि देखो जितने आवेशित कण रहेंगे उतने ही पल्स प्राप्त होता है, एक आवेशित कण के नाम से एक पल्स प्राप्त होता है, तो जितने पल्स प्राप्त हो रहे हैं उसको हम लोग गिन लेते हैं काउंट कर लेते हैं और ऐसा अनुमान लगाते हैं कि उतने ही आवेशित कण यहाँ पे क्या हुए होंगे इंटर हुए होंगे, इस प्रकार जो भी आवेशित कण रहते हैं अल्फा बीटा गामा उसकी संख्या ज्ञात कर लिया जाती उसकी संख्या ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, उसका डिटेक्शन कर लिया जाता है, तो इस प्रकार का इसका वर्किंग प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा या फिर पिछला जो काउंटर देखा होगा डिटेक्टर्स देखे होंगे तो उनमें सेम ही वर्किंग है सेम ही स्ट्रक्चर है, बस इसका जो मटेरियल भरे हैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस टिप से इसका वर्किंग रहेगा। तो देखो कई बार क्या होता है ये जो GM काउंटर है इसका लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए या फिर आयु बढ़ाने के लिए कई बार क्या करते हैं ये जो आर्गन के साथ हम लोग मीथेन या फिर जो एल्कोहल के वाष्प भरे हैं उसके जगह में हम लोग क्या करते हैं ब्रोमीन के वाष्प भर देते हैं, जिससे क्या होता है इस जो GM काउंटर का लाइफ टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। और क्या कई बार क्या करते हैं जैसे कि जो अल्फा कण है उनके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग ये जो सी जो है ना ये बेसिकली तांबे का बना रहता है। ठीक है, तांबे का बेलन रहता है सिलेंडर रहता है, तो अल्फा कणों के लिए तो तांबे का बेलन का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है बीटा कण जब आता है ना तो उनके लिए हम लोग तांबे के बेलन की जगह में क्या करते हैं ये जो बेलन है इसकी जगह हम लोग कांच की नली ले लेते हैं, और जो कांच की नली है उसके अंदर तरफ हम लोग कोलाइडल कार्बन के पुताई कर देते हैं, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं कलिल कार्बन ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी हम लोग क्या कर देते हैं पुताई कर देते हैं, और यदि गामा किरणों के संसूचन के लिए क्या करते हैं गामा किरणों के संसूचन के लिए हम लोग ये जो कांच की नली है इसके जगह में क्या कर देते हैं बिस्मिथ या फिर लेड की नली लगा देते हैं, जिसके नाम से गामा किरणों का संसूचन किया जा सकता है। तो ये कुछ सुधार कर लिया जाता है अलग अलग कणों के लिए अलग अलग हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का GM काउंटर का स्ट्रक्चर और वर्किंग। अब बात करते हैं यदि हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एनोड है ठीक है ये जो तार है इसकी यदि हम लोग त्रिज्या मान लेते हैं ए है और ये जो कांच की नली सी है या तांबे का जो बेलन है इसकी व्यास इसकी जो त्रिज्या है वो बी मान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला मैं ये जो एनोड है इसकी त्रिज्या मैं ए ले लेता हूँ और ये जो कांच की नली है या फिर जो बेलन है इसकी मैं त्रिज्या बी ले लेता हूँ और ऐसा मानता हूँ कि इन दोनों के जो बीच में हम लोग जो विभवांतर प्रोवाइड कर रहे हैं वो वी है। ठीक है, मैं एक बार इसको लिख के बताता हूँ ऐसे में समझ में नहीं आएगा। यदि हम मान लेते हैं कि जो एनोड है उसकी त्रिज्या ए है और जो कांच की नली है या फिर जो तांबे का जो बेलन है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं बी है और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हम लोग जो विभवांतर प्रोवाइड कर रहे हैं वो वी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, माना एनोड तार की त्रिज्या ए हो तथा बेलन की त्रिज्या बी हो तथा दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर वी हो विभवांतर
वी हो। तो एनोड से आर दूरी पर, यहाँ पे बीच में एनोड बना हुआ था, नीचे में कैथोड था, या फिर ऊपर वो नीचे में कैथोड था, तो इस एनोड से आर दूरी पर यदि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हम लोग निकालते हैं तो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए डायरेक्ट, और कैसे आया था ये मैंने पिछले डिटेक्टर्स ने बताया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है V अपान R log E बेस पर B अपान A, जहाँ A क्या है एनोड की त्रिज्या, B क्या है कैथोड की त्रिज्या, V क्या है विभवांतर जो प्रोवाइड करा रहे हैं या वोल्टेज बोल सकते हो, R क्या है तो जो R मतलब एनोड से R दूरी पर या फिर जितनी भी दूरी पर वहाँ पे निकालना है उसका मान है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि मैं मान लेता हूँ कि जो एनोड का मान, एनोड की जो त्रिज्या है A, इसको मैं मान लेता हूँ एक सेंटीमीटर है, सॉरी एक सेंटीमीटर नहीं, इसको मैं मान लेता हूँ एक मिलीमीटर है, और जो बी का मान है जो कांच की नली है उसकी अगर मैं व्यास त्रिज्या की बात करूँ तो उसको मैं मान लेता हूँ एक सेंटीमीटर हो, और वी का मान यदि मतलब जो विभवांतर प्रोवाइड कर रहे थे उसको मैं 1000 वोल्ट प्रोवाइड करूँ, 1000 वोल्ट प्रोवाइड करूँ, तो एनोड पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एनोड पर मतलब उस टाइम आर इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है, मतलब आर इक्वल टू वन रहेगा समझ सकते हो, तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर इसका मान, इसको जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना तब इसका मान कितना आता है, 4.3 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे उत्पन्न होता है यदि हम लोग विभवांतर का मान 1000 रखें और ए और बी का मान क्रमशः 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर रखें, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है एनोड पर वो कितना होता है 4.3 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हो गया हम लोग का पूरा जी एम काउंटर, उसका वर्किंग भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया, और थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। अब क्या करते हैं, जो दो टॉपिक और बच गए हैं उसका एक बार जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा, बात करते हैं इसके विशेषताएं के बारे में, विशेषताएं से पहले इसका हम लोग प्रिकॉशन देख लेते हैं, सावधानियां। तो एकदम बच्चों वाला है ये, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि इसमें हम लोग को बहुत अच्छा कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो नॉर्मली हम लोग प्रिकॉशन रखते हैं वहीं बस आएगा, ठीक है। बुक में दिया हुआ है तो बता दिया, दो नंबर में आ गया तो आप लोग को बनना चाहिए। तो क्या क्या प्रिकॉशन रखते हैं वो बताते हैं इसमें। तो देखो सावधानियाँ के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला सावधानियाँ क्या हो जाएगा, नली के इलेक्ट्रोडों पर जो भी वहाँ पर नली के पास जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ था उसमें हम लोग विभवांतर प्रोवाइड करा रहे थे, तो जो विभवांतर का मान है वो गाइगर विभव के मान से अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी हम लोग वी जी का मान निकाले थे याद है, वहाँ पर ग्राफ बनाए थे, तो वी जी के मान से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर उससे अधिक होता है तो क्या होता है वो बर्नआउट हो जाता है, ठीक। तो उसका मान गाइगर विभव के मान से कम होना चाहिए जो इलेक्ट्रोड हम लोग बाहर लगा रहे हैं उसका मान। और दूसरा बात करें तो यदि हमको लगातार मान लो पल्स प्राप्त हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पल्स प्राप्त हो रही है, तो भी जो वोल्टेज लगा रहे हैं ना उसको मान को हमको थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए, जिससे जो पल्स प्राप्त हो रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। दूसरा क्या, तीसरा क्या बोल सकते हो, जो भी हम लोग आरोपित विभवांतर प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टेबलाइज होना चाहिए, मतलब उसको कभी भी कम कर सकते हो कभी भी ज़्यादा कर सकते हो, ऐसे नहीं कि एक बार चालू किया फिर वो बढ़ते जा रहा है तो उससे क्या होगा फिर हमारा जीएम काउंटर नष्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या बोल सकते हो, मापन लेने के तुरंत बाद वोल्टेज स्रोत को हमेशा घटा देना चाहिए, मतलब हटा लेना चाहिए, जैसे मापन एक बार ले लिए हम लोग फिर जो भी वोल्टेज स्रोत वहाँ पर लगाए हैं उसको हम लोग को हटा लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कई बार जैसे विभवांतर का मान मान लो बढ़ रहा है तो फिर वो क्या कर देगा सिस्टम को पूरा खराब कर देगा, इसलिए उसको हटा देना चाहिए मापन करने के बाद। उसके बाद एक लास्ट सावधानी क्या बोल सकते हो, नली पर बाह्य विकिरण या फिर बाह्य प्रकाश पड़ने से रोकना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो नली बनाए हुए हैं वो क्या होना चाहिए बेसिकली निर्वात होना चाहिए, मतलब निर्वात नहीं आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब बाह्य विकिरण उसमें इंटर नहीं करना चाहिए, जो भी हम लोग आवेशित कर यहाँ से इंटर करा रहे हैं वही बस वहाँ पर इंटर करना चाहिए, बाकी अगर दूसरा इंटर करेगा तो फिर हमारा जो सिस्टम है पूरा काम करना बंद कर देगा, मतलब गलत रिजल्ट देगा ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और बाह्य प्रकाश भी वहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उसको जीएम काउंटर है उसका उपयोग हम लोग डार्क रूम में किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग सावधानियाँ में लिख सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका हम लोग क्या बात करते हैं इसकी विशेषताएं के बारे में, तो जी एम काउंटर में क्या विशेषताएं हैं, देखो जो भी हम लोग अभी तक काउंटर पढ़े हैं या डिटेक्टर्स पढ़े हैं उनमें सबसे अच्छा डिटेक्टर यही रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी विशेषताएं की, तो देखो जी एम काउंटर की विशेषताएं क्या हो जाएगी, सबसे पहला
इस नली से प्राप्त पल्स का आकार प्रारंभिक आयनन या फिर जो प्राइमरी आयोनाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी स्टार्टिंग में आयोनाइजेशन होता है प्लस या माइनस में जो विभक्त होता है उसके मान पर डिपेंड करता है जो भी पल्स प्राप्त होता है। ठीक, तो ये इसका पहला विशेषता हो जाएगी। दूसरा विशेषता क्या है, यह नली केवल एक धन आयन और इलेक्ट्रॉन जोड़े के लिए भी सुग्राही होता है। मतलब यदि इस नली में या फिर जीएम काउंटर है इसमें सिर्फ यदि एक ही इलेक्ट्रॉन और धन आयन युग्म भर रहे हैं, मतलब बहुत सारे मात्रा में नहीं भर रहे, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन और धन आयन युग्म भर रहे हैं तो उसके लिए भी जो जीएम काउंटर होता है सही सही वर्ग करता है, उसके लिए भी ये सुग्राही होता है। ठीक है, तो मतलब यदि एक ही पेयर बन रहा है तो भी हम लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि एक पल्स प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एक विशेषता हो जाती है। तीसरा विशेषता क्या होती है, इस नली की आयु बहुत अधिक होती है। तो जो जीएम, मैं पहले बोला जीएम काउंटर होता है, ये नली सबसे, ये जो काउंटर है सबसे बेस्ट काउंटर होता है और इसकी जो आयु है या फिर जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत जल्दी बर्नआउट नहीं होती। उसके बाद इस नली का उपयोग अल्फा बीटा गामा इन आवेशित कणों के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। मतलब जो आवेशित कण है उसमें अल्फा बीटा गामा इन तीनों का ही हम लोग जीएम काउंटर से यहाँ पे डिटेक्शन कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़ा था, आयोनाइजेशन चैम्बर पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, अल्फा कण बस का ही हम लोग डिटेक्शन कर पा रहे थे, बीटा और गामा का नहीं कर पाते थे। लेकिन उसके बाद जो सेकंड वाला पढ़े प्रोपोर्शनल काउंटर, उसमें हम लोग बीटा और गामा का कर पाते थे, अल्फा का सही सही से नहीं कर पाते थे। लेकिन जो जीएम काउंटर है इसमें अल्फा का भी कर सकते हैं, बीटा का भी कर सकते हैं और गामा का भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट रहता है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और बोल सकते हो, नली का मृत्यु काल डेड टाइम काफ़ी अधिक होता है, अर्थात प्रत्येक कण को प्रवेश कराने के लिए नली के समय अंतराल काफ़ी अधिक होता है। तो छोड़ो ये पॉइंट को। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है, सावधानियाँ और विशेषताएँ आप लोग लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा जो भी बताया मैं। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेना। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। देखो जो जीएम काउंटर है ना बहुत ही जरूरी टॉपिक है, बहुत जगह पूछा भी जाएगा ये। तो अगर तीनों को, यदि तीनों में से कोई एक को पढ़ना होगा तो जीएम काउंटर को जरूर पढ़ना। ठीक है, बाकी पढ़ना तो सबको चाहिए लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा प्योरिटी देना। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट, जिसमें हम लोग इंट्रो देख लिए, प्रिंसिपल देख लिए, वर्किंग देख लिए, उसका इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन देख लिए, सावधानियाँ देख लिए, विशेषताएँ देख लिए। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और मैं इसका क्या करूँगा, अब देखो दो तीन जो काउंटर बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कराते जाएंगे जल्दी से। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग जो बेसिक जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ आते हैं वो सबको देखेंगे। ठीक है, तो वो जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये डिटेक्टर्स है तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बाकी जब न्यूक्लियर वाला मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर में, ये पार्ट टू था बेसिकली। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट डिटेक्टर्स के लिए या फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट काउंटर के लिए। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।